यहाँ पे लोग रिलैक्स कर सकते हैं और पीछे उनके वर्ड बोलो, इतनी प्यारी फोटो भी आ सकती है। तो और यहाँ के लोग कैसे लगे कश्मीरी टाइप वाले? यहाँ पे बहुत कमेंट करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ भी आऊंगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बहुत अच्छा। ओ ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं मुंबई से आया। और आपको यहाँ के कैसा लगा? जैसे कि कश्मीर इतना सुंदर है, ट्यूलिप गार्डन, परी महल। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, आप सबको मेरा यह ब्लॉग जो कि तेरा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ गार्डन, मेरा मतलब है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हमारे भारत में है। ये प्राउड टू बी इंडियन। आप भारत की जन्नत कश्मीर तो बहुत बार गए होंगे या जाने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। यहाँ पर घूमने के बहुत ही सारे प्लेसेस हैं, सोनामर्ग, गुलमर्ग, पहलगाँव। क्या आपको पता है मोस्ट फेमस द डल लेक के पास एक ट्यूलिप गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। हम बहुत लकी है कि हमें इस वक्त कश्मीर में इस वक्त ट्यूलिप गार्डन खुला। टूरिस्ट का सबसे पीक टाइम होता है ये, क्योंकि अप्रैल मंथ में ही ट्यूलिप गार्डन खुलता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्यूलिप गार्डन को देखने के और उसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स को देखने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। तो चलो अंदर जाने के लिए टिकट लेते हैं, 75 बड़ों के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे 30 बस। अंदर जाते ही ऐसा लगा कि आंखों में कुछ जन्नत देख। गाइस हम ट्यूलिप गार्डन पहुंच चुके हैं, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। कश्मीर को तो पहले से ही जन्नत कहते थे। और भी वाटरफॉल्स, यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर नजारा है, व्यू। तो आगे देखते हैं गाइस, यहाँ के फ्लावर्स देखो, ये वो देखो कितने प्यार से वो नमाज पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो फ्लावर्स, पर्पल, पिंक, येलो, वाइट, पिंक, हर कलर का पर्पल, हर येलो। वहाँ पे इतने छोटे छोटे वो है, ये बोलते हैं ट्यूलिप गार्डन में ही तो है ट्यूलिप फ्लावर्स है, कितने छोटे छोटे बेबी फ्लावर्स ट्यूलिप। तो चलो आगे देखते हैं अब क्या क्या है, बहुत सुंदर सुंदर। देखो गाइस कितनी अच्छी खुशबू है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं ट्यूलिप। मुझे सबसे प्यारे फ्लावर्स और सबसे अच्छे मेरे फेवरेट भी है ट्यूलिप फ्लावर्स, ऑब्वियसली ट्यूलिप और रोज सबसे ज्यादा फेवरेट है। प्यारे फ्लावर्स गाइस देखो, ट्यूलिप फ्लावर्स पिंक, पर्पल, ऑरेंज, येलो, बहुत सारे कलर्स के, मल्टी कलर गाइस। वहां पर मुझे टूरिस्ट का क्राउड ज्यादा लग रहा है, वही जमते हैं। वहां फाउंटेन एंड बहुत सारे ट्यूलिप्स की कलेक्शन है। ट्यूलिप्स, ओह माय गॉड, वाओ कितना सुंदर लग रहा है, आंखों को ऐसा सुकून मिलता है। रेड ट्यूलिप, कितना प्यारा लग रहा है ये नजारा। सो गाइस ये वाले फ्लावर मुझे सबसे सुंदर लगते हैं क्योंकि वाइट है, और वाइट तो मेरा फेवरेट है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एंड ये है पूरा पिंक पीस। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत अच्छा है ये यार। और ये है ऑरेंज पीस, ये पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज है, मतलब जैसे कि संतरा होता है वैसे ही। टूरिस्ट कितने खुश दिख रहे हैं, यहाँ का जगह ही ऐसे है यार। हमारी तरह ये भी लकी है क्योंकि किसी वक्त ये लोग कश्मीर पहुंचे हैं। ऐसे को कितने सारे फ्लावर हैं, और यहाँ पे देखो लेक भी आउटसाइड, और ये देखो गाइस वाटरफॉल हो रही है, ये कितना मजा आ रहा है। ये कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, ट्यूलिप, आई लव ट्यूलिप। फाउंटेन ही फाउंटेन, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फाउंटेन है एंड पूरे पानी निकलता है, इतना मजा आता है। तो चलो साइड साइड से चलते हैं अब हम।
इतना मजा आ रहा है फाउंटेन से पानी बरसा रहा है, ऐसा लग रहा है रेल की वाली बारिश हो रही है। इधर खड़े हो सकते हैं। मुझे बुखार था लेकिन फिर भी मजा तो आ रहा है। याहू! देखो यहाँ पे लोग रिलैक्स कर सकते हैं और पीछे उनके वर्ड बोल रहे, इतनी प्यारी फोटो भी आ सकती है, तो आप यहाँ जरूर आना। और ये देखो यहाँ की कटिंग इतनी सुंदर की है ना, जो कलाकार ने ये करा है ना उसका तो मैं फंड लूँगी, इतनी प्यारी लाइटिंग की है। चलो आगे चलते हैं, आगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आ जाओ गाइस, बहुत मजा आने वाला है। अभी तो बस शुरुआत है। बड़े बच्चे, बुजुर्ग, चाइनीज, रशियन, गुजराती, हर कंट्री सिटी के लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत मज़ा आता है गाइस, आप तो एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। इतने प्यारे माउंटेन्स, इतने अच्छी अच्छी कलाकारियाँ, इतने प्यारे फूल, इतने प्यारे वाटरफॉल, इतना मज़ा आ रहा है। देखो लोग अभी भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वाह! तो चलो टूरिस्ट ने रिव्यू लेते हैं यहाँ का, मिर्जा रहा उनको भी अच्छा लगा। आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ के वाटरफॉल देखे, यहाँ से फोटो खिंचवाई? हाँ खिंचवाई। और खींच भी रहे हैं। आपके साथ भी लेंगे, आप खड़ा हो जाओ। ओके आप खड़ा हो जाओ, आपको भी फोटो लेंगे, इधर खड़ा हो जाओ। मेरा नाम जाह्नवी है। और आप कहाँ से आए? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। और आपको यहाँ के कैसा लगा, जैसे कि कश्मीर ट्यूलिप गार्डन, वहाँ पर ही महल देख के व्यू? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे स्नो मैंने पहली बार देखा है लाइफ में, एंड यहाँ पे जो फ्लावर्स है, जो स्काई, माउंटेन्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, एंड बहुत सुंदर लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ बहुत अच्छा है वैसे। यस सब कुछ यहाँ। हाँ एक्चुअली मतलब यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे ट्रीज एंड एवरीथिंग इज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। थैंक यू। नाम क्या है? सदानंद शेट्टी। और अंकल आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया। और आपको यहाँ के कैसा लगा, जैसे कि कश्मीर इतना सुंदर है, ट्यूलिप गार्डन, परी महल? यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। और मैं पहला बार भी आया, देख के मेरे बहुत कुछ हुआ। यहाँ के ट्रीज, माउंटेन्स, फ्लावर, सुपर, तो ये एक नंबर फर्स्ट क्लास, ऐसा कभी देखने का अपने नहीं मिला, आप लोग को मिलेगा जरूर, अपने तो मुश्किल है। अच्छा यूट्यूब फैमिली को बोल दो कि वो जरूर आएगा। सब फैमिली एक बार जरूर आके यहाँ देखो अपना कश्मीर का कैसा ये है, सब फूल हर चीज देखो। और यहाँ के लोग कैसे लगे कश्मीरी टाइप? कश्मीर का कोई कोई मेरे को जो बात किया बहुत अच्छा बात करते, कोई कोई बहुत प्यार से भाई करते हैं, और कोई कोई ऐसा बात भी नहीं करते, ऐसे सीधे चले जाते, वो समझ में नहीं आ रहे अपने कैसे हैं, मगर अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत कश्मीर का बहुत अच्छा लगा। यहाँ के फ्लावर्स देखो कितने सुंदर है, यहाँ के ट्रीज देखो गाइस, और ये तो मेरा फेवरेट फ्लावर है, और यहाँ की इतना सुंदरता है, यहाँ पे इंसान को मजा आ जाए, माउंटेन्स, इतने सारे ट्रीज, और ये तो सबसे अच्छा। गेस करो ये कौन सा ट्री है, कमेंट में जरूर बताना कौन सा ट्री है। चलो भैया से पूछते हैं, उनको यहाँ के कैसा लगा। भैया yes. आपका नाम क्या है? वरुण। भैया आप कहाँ से आए और कितने दिनों के लिए आए हो? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, और ये मेरी 4-5 दिन की ट्रिप है। अभी मैंने वैष्णो माता का दर्शन किया है, अभी ये 2-3 दिन यहाँ रहना है, फिर निकल जाएंगे वापस होम टाउन। और फिर अभी ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी फैमिली के साथ भी आऊँगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बहुत अच्छा। कश्मीर को तभी तो जन्नत कहा जाता है। Yes, heaven on earth. और ये कश्मीर है, इतना सुंदर जगह है, ट्यूलिप गार्डन है। हाँ हाँ। यहाँ के ट्रीज, यहाँ की फ्लावर्स, यहाँ की सुंदरता आपको कैसी लगी? मीन्स ये तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हम लोग तो सिटीज में रहते हैं, वहाँ तो पूरे प्लेन एरियाज हैं, माउंटेन्स और यहाँ की सीनरी वगैरह बहुत अच्छी, एक्सट्रीम लेवल।
और यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं, अच्छे हैं नहीं अच्छे? बहुत अच्छे हैं। और हमें तो ये पता लगा है कि ये सिर्फ एक महीने के लिए खुलता है, मीन्स ये फिर अप्रैल मीन्स एंड ऑफ अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, ये मीन्स ऑफ हो जाएगा। तो मीन्स मैं ये अपने आप को लकी मानूंगा कि मेरे टाइम ये खुला मिला, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट विजिट है कश्मीर, तो ये तो मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल है। मेरा भी फर्स्ट विजिट है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। जन्नत कहने के कई कारण है कश्मीर को, जिसमें से ट्यूलिप गार्डन भी एक है। मेरा तो बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा था यहाँ से। और वो देखो सामने परी महल भी दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। 30 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है ये ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है ये। यहाँ पर 1.5 मिलियन ट्यूलिप फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसी बात पे मेरा डांस गाना बनने कॉपीराइट के कारण। Our hearts beat to the city streets. We began. ट्यूलिप गार्डन तो देख लिया, अब लगे बड़ी भूख, कुछ खाते हैं चलो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन का बटन ठोक देना, मोटिवेशन मिलती है। स्क्रीन पे जो दिख रही है वीडियो जाके देखो और मेरे फेस बटन क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करके जाना।